श्री गोरक्षपीठ की गौरवशाली आध्यात्मिक धार्मिक परंपरा को एक नई दिशा प्रदान करने वाले महान देशभक्त अपराजय धर्मयोद्धा हिंदुनिष्ठ राष्ट्रवादी राजनीति के वाहक युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज एवं राजसंत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज का विराट व्यक्तित्व आज भी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। दोनों महंत राष्ट्रवादी चरित्र एवं आध्यात्मिक चेतना से प्रदीप्त ऐसे संत थे जो अतीत अनागत और वर्तमान सबको प्रत्यक्षवत देखते थे। हिंदू समाज के रक्षक थे, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक थे। उनकी स्मृतियां हमें अनवरत नई ऊर्जा देती हैं। युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज की 51वीं एवं राष्ट्रसंत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज की 6वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी पावन स्मृति में सप्त दिवसीय श्रद्धांजलि समारोह 31 अगस्त से 6 सितंबर तक श्री गोरक्षनाथ मंदिर में संपन्न होगा। साप्ताहिक श्रद्धांजलि समारोह के अंतर्गत कल से साप्ताहिक श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ प्रारंभ हो रहा है। यह बातें श्री गोरक्षनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ जी ने सप्त दिवसीय श्रद्धांजलि समारोह के संबंध में कहा। उन्होंने कहा कि युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज एवं राष्ट्रसंत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज ने धर्म संस्कृति शिक्षा समाज एवं राष्ट्र के प्रायः सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बहुआयामी एवं लोक संग्रही व्यक्तित्व से अपनी प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज की थी। अनेक महत्वपूर्ण धार्मिक आध्यात्मिक एवं राष्ट्रीय मुद्दों पर सड़क से संसद तक दोनों महंत जी महाराज की ओजपूर्ण वाणी गूंजती रहती है। 1920 से लेकर 21वीं शताब्दी के प्रथम दशक तक देश की कोई भी राजनैतिक सामाजिक धार्मिक समस्या ऐसी नहीं थी जिस पर क्रमशः दोनों ब्रह्मलीन महाराज जी की भावपूर्ण उपस्थिति दर्ज न हुई हो। देश में वे आध्यात्मिक सामाजिक पुनर्जागरण के अग्रदूत के रूप में प्रतिष्ठित हुए तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में शैक्षिक पुनर्जागरण के अग्रदूत बनकर उभरे। युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज एवं राष्ट्रसंत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज यद्यपि अपने पार्थिव रूप से आज हमारे बीच नहीं हैं, तथापि उनका कृतित्व आज भी प्रकाश स्तंभ की तरह राष्ट्र जीवन के राजपंथ पर हमारे मार्गदर्शन के लिए विद्यमान है। दोनों ब्रह्मलीन महंत जी महाराज भारत के समाज को एक समरस सुगठित और सुदृढ़ समाज के रूप में देखना चाहते थे। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 31 अगस्त से 6 सितंबर तक सप्त दिवसीय श्रद्धांजलि समारोह आयोजन किया जा रहा है। योगी कमलनाथ जी ने बताया कि साप्ताहिक श्रद्धांजलि समारोह के अंतर्गत समसामयिक विषयों पर चलने वाला सम्मेलन 31 अगस्त से प्रारंभ होगा। 31 अगस्त को उद्घाटन समारोह में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का शुभारंभ, भारत में एक नए युग का आरंभ, 1 सितंबर को स्वच्छ भारत अभियान एवं हमारा स्वास्थ्य, 2 सितंबर को सामाजिक समरसता एवं संसमाज, 3 सितंबर को संस्कृत एवं भारतीय संस्कृति, 4 सितंबर को भारतीय संस्कृति एवं गो सेवा विषयक सम्मेलन संपन्न होंगे, 5 सितंबर को युग पुरुष महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज की तथा 6 सितंबर को राष्ट्रसंत महंत अवैधनाथ जी महाराज की श्रद्धांजलि सभा आयोजित होगी। 30 अगस्त से 5 सितंबर तक दोपहर 3 बजे से सायं 6 बजे तक संगीतमय श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया है, जिसमें अयोध्या धाम से पधारे अनंत श्री विभूषित जगद्गुरु स्वामी राघवाचार्य जी महाराज के मुखार बिंदु से श्री राम कथा की अमृत वर्षा होगी। यह मांगलिक अनुष्ठान भी श्री गोरक्षनाथ मंदिर के फेसबुक पेज तथा यूट्यूब पर लाइव होगा। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के कारण इस वर्ष संपूर्ण आयोजन निर्धारित निर्देशों के अनुपालन करते हुए संपन्न किया जाएगा। संपूर्ण आयोजन श्री गोरक्षनाथ मंदिर के फेसबुक पेज एवं यूट्यूब तथा गोरखपुर न्यूज चैनल पर लाइव होगा। योगी कमलनाथ ने सभी श्रद्धालुओं भक्तजनों से आग्रह किया है कि वे आयोजन में ऑनलाइन सम्मिलित होकर कार्यक्रम को सफल बनाएं। हम सब जानते हैं कि भारत भारतीय हिंदुत्व राष्ट्र के साथ धर्म और समाज योग और सांस्कृतिक जागरण के लिए प्रसिद्ध है। गोरखपीठ एक सिद्ध पीठ है और यह सिद्ध पीठ अपने पूर्ववर्ती ब्रह्मलीन संतों के उनके तप और त्याग के नाते आज भी उतनी ही जागृत है। न केवल भारत बल्कि संपूर्ण विश्व को अपने सिद्ध योग के माध्यम से एक वैचारिक का अधिष्ठान बनी। प्रतिवर्ष की ओर से ब्रह्मलीन युग पुरुष महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज और राष्ट्रसंत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज की पुण्यतिथि मनाई जाती है।
बहुत भव्यतम तरीके से प्रतिवर्ष संपूर्ण देश ही नहीं बाहर के लोग भी उसमें आकर सौभाग्य का अनुभव करते हैं, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, सांस्कृतिक क्षेत्र हो, अध्यात्म का क्षेत्र हो, कुछ क्षेत्रों से लोग आते हैं। इस वर्ष वैश्विक महामारी के नाते मंदिर आयोजन समिति ने निर्णय लेकर के एक नए प्रयोग के आधार पर ऑनलाइन समारोह आयोजन करने का निश्चय किया है। दिनांक 21 अगस्त से 6 सितंबर तक होने वाले श्रद्धांजलि समारोह में महंत युगनाथ महाराज जो हमारे युग पुरुष रहे हैं, ब्रह्मलीन हैं और अपनी आभा से अपनी ज्योति से आज भी वह आलोक दे रहे हैं, उनकी 91वीं पुण्यतिथि है और उनके उत्तराधिकारी श्री गोरक्ष पीठाधीश्वर रहे राष्ट्र शांति ब्रह्मलीन मंत्री महाराज छठी पुण्यतिथि है। इस अवसर पर आयोजन समिति ने एक अवसर दिया, सौभाग्य दिया हम सबको। दिनांक 9 सितंबर यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है जहाँ सामाजिक समरसता और समाज को लेकर के एक विमर्श होगा। इस अवसर पर होने वाले कार्यक्रम में जो मुख्य वक्ता होंगे ये प्रख्यात विचारक राष्ट्रीय सूचक संघ के सह सरकार डॉक्टर किशोरपाल जी होंगे जो सामाजिक समरसता और समाज की पूरी वैचारिक को लेकर के समर्पित जीवन के साथ चला। उसी क्रम में विषय परिवर्तन और वक्ता के रूप में मैं शिक्षा विश्वकर्मा अध्यक्ष उच्च शिक्षा सेवा आयोग प्रयागराज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं उस विहित विषय पर एक अपना पक्ष रखूं, सामाजिक समरसता और संत समाज की भूमि में संपूर्ण सिद्धपीठ के योगदानों का वहां विमर्श होगा। इन शब्दों के साथ राष्ट्रीयता एवं हिंदुत्व के प्रति प्रतिबद्ध श्री गोरखनाथ मंदिर द्वारा युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज की 51वीं तथा राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज की 6वीं पुण्यतिथि पर आयोजित व्याख्यान माला के अंतर्गत 3 सितंबर को प्रातः 10:30 बजे संस्कृत और भारतीय संस्कृति विषय पर माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री हृदय नारायण जी दीक्षित तथा मेरा व्याख्यान होगा। आप सबकी सहभागिता प्रार्थना है।